चलो आज का रिवीजन सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अपने को पहले रो वाइज देखना है, ठीक है। रो वाइज मतलब अपने को ये देखना है कि कौन सा लॉस है अकॉर्डिंगली, ये देखना है। लॉस कौन सा है, सपोज मेरा लॉस है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो मैं ये वाला रो देखूंगा। जो लॉस है एग्जाम में, जो लॉस आएगा वो मेरे को वो रो देखना है। अगर मेरा कैपिटल गेन कैपिटल लॉस आएगा तो मेरे को ये रो देखना है, मेरे को और कोई रो देखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा कैपिटल गेन है 5 लाख का, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 3 लाख का, तो मैं इंटर हेड में देखूंगा। 2 लाख तक अलाउड है, 2 लाख तक सेटअप करूंगा, 1 लाख को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो कौन से चीज़ों का देखना है अपने को रो देखना है हर एक रोज, जिस जो लॉस एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी इंट्रा हेड सेटअप हर जगह अलाउड है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं बोलना। इंट्रा हेड सेटअप हर जगह अलाउड है एक्सेप्ट स्पेकुलेशन लॉस, 35AD लॉस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। तो 35AD में इंट्रा हेड अलाउड नहीं है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग में अलाउड नहीं है, स्पेकुलेशन में अलाउड नहीं है, ठीक है। इंटर हेड सेटअप, इंट्रा हेड सेटअप जहाँ अलाउड नहीं है वहाँ पे तो अलाउड है ही नहीं, और कहाँ पे अलाउड नहीं है। और बिजनेस लॉस जहाँ पे भी अलाउड है वहाँ पे खाली फर्स्ट ईयर के लिए, एक्सेप्ट अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कहीं भी हो सकता है, कितने साल भी हो सकता है, एक्सेप्ट सैलरी। वैसे ही PGBP भी फर्स्ट ईयर हर हर हेड के अगेंस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी लॉस सबके अगेंस्ट हो सकता है एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट नहीं, अप टू 2 लाख, ठीक है। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सब लॉसेस 8 ईयर्स एक्सेप्ट स्पेकुलेशन लॉस जो कि 4 साल है, और ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस जो कि 4 साल है। खाली इसी लॉस के केस में कंडीशन है कि बिजनेस मस्ट बी कंटिन्यूड। अगर बाकी केसेस में बिजनेस नहीं भी हुआ तो आप कोई जिसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इनडेफिनेट किस किस के लिए, एक तो है 35AD लॉस, एक है साइंटिफिक, एक है अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के साथ साथ और एक है अनऑब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंस। अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट है वही अनऑब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट है, हेंस इनडेफिनेट ईयर्स, ओके। सेक्शन 80 क्या बोलता है, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे फाइल नहीं किया तो आपको कोई लॉसेज अलाउ नहीं होंगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, एक्सेप्ट अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी लॉस। इन दोनों को अगर आपने फाइल किया आफ्टर ड्यू डेट तो भी आपको रिटर्न, आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड किया अलाउ करेंगे। प्रायोरिटी टू सेट ऑफ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेट ऑफ करोगे करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर आप सेट ऑफ करोगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, फिर आप सेट ऑफ करोगे अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। करेंट डेप्रिसिएशन पहले क्यों, कंपलसरी डिडक्शन है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दूसरा क्यों, कम साल मिलते हैं, 8 साल मिलते हैं। अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सालों साल मिलता है, इसलिए थर्ड प्रायोरिटी है, ठीक है। फिर और कौन सा था, हाँ कैपिटल गेन्स का क्या था, सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन अदर इनकम, उसमें PGBP आ गया, अदर सोर्सेज आ गए, सब कुछ आ गए। फिर आ गया शॉर्ट टर्म, फिर आ गया लॉन्ग टर्म। मैं लॉस हूँ, मैं ऊपर से नीचे आ सकता हूँ, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता हूँ, मैं ग्रेविटी, मतलब लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म जो छोटा है कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट PGBP इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट PGBP लॉस, मैं बड़ा हूँ नीचे आ सकता हूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे आ सकता हूँ ग्रेविटी, ठीक है। मैं PGBP लॉस हूँ, आई कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये है फिर एक कंडीशन, एक प्रिंसिपल है सेम पर्सन कैन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, उसमें एक्सेप्शन क्या है, सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस। सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस, अगर एक पार्टनर मर गया उसका सन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है बिजनेस तो उसको सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस बोलेंगे, यस। बट अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व हो गया और पार्टनर बोलता है मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, मिलेगा सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस, नो। फिर और कौन से केसेस में, जहाँ पे एनी पर्सन अदर देन जिसने लॉस एंकर किया वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ये डीमर्जर, अमालगमेशन, कन्वर्जन, ये सब केसेस में। ये सब केसेस में अदर पर्सन भी कर सकता है। डीमर्जर के केस में खाली बैलेंस ईयर मिलेगा, बाकी सब में न्यू लाइफ मिलेगा। इसमें बाकी सब में न्यू लाइफ मिलेगा, डीमर्जर में बैलेंस क्यों मिलेगा, क्योंकि वरना कंपनी हमेशा डीमर्ज कर करके अपना अपना जो लॉस है वो मेंटेन कर सकते हैं। हर एक डिवीजन जो लॉस मेकिंग है उसको डीमर्ज कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये हुआ कैपिटल गेन्स, कैपिटल सॉरी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस।
एक बार कैलेंडर बुक में आइए, कैलेंडर बुक में पेज नंबर 4, एग्जेम्पशंस कैपिटल गेन्स के। कैपिटल गेन्स के एग्जेम्पशंस, तो फर्स्ट स्टेप है किसको मिलेगा, असेसी कौन है यार। 54 बी और 54 एफ में इंडिविजुअल और एचयूएफ को और बाकी सब में हर एक एसएससी को मिलता है, ठीक है। 54 बी में क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड तुमको 2 साल मेंटेन करना पड़ेगा, 2 साल तक तुम मेंटेन करोगे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड तो तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा, कितने का, जितना तुमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। तो 54 एफ में मेरे को नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है, बाकी सारे केसेस में मेरे को कैपिटल गेन्स इन्वेस्ट करना है। तो पहला था असेसी किसको मिलेगा, फिर दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था, कब मिलेगा, मतलब कौन सा एसेट हो। तो 54 डी में क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, लैंड बिल्डिंग और बोथ। 54 ई सी में अभी अमेंडमेंट आया, लैंड और बिल्डिंग खाली रह गया। 54 ई में एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, फिर क्वालिफाइंग एसेट है, वो कौन सा एसेट परचेज करना है, REC बॉन्ड्स, NHAI बॉन्ड्स। तो ये कंडीशंस है, ये बोलते हैं कि क्या परचेज करना पड़ेगा, क्या कंडीशंस है, ठीक है, आपको क्लेम करने के लिए एग्जेम्पशन। फिर थर्ड वाला पॉइंट है कितना, तो अगर आप यहाँ से लेफ्ट देखते हो तो आपको कौन से मिलेंगे, अगर आप कैपिटल गेन्स इन्वेस्ट करते हो तो पूरा मिलेगा, अगर कैपिटल गेन्स से कम इन्वेस्ट करते हो तो अमाउंट इन्वेस्टेड। 54 एफ और 54 जी भी दो सेक्शंस है जिसमें मेरे को नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर नेट कंसिडरेशन से कम इन्वेस्ट किया तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। फिर फोर्थ वाला बोलता है कि तुमको जो नया एसेट परचेज करना है कितने साल में परचेज करना है। 54 और 54 एफ में है कि तुमको 1 साल पहले या 2 साल के अंदर तुमको परचेज कर लेना है, अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। वैसे ही ये केसेस है, मतलब 2 साल या 3 साल या 6 महीने के अंदर तुम लोग को परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। और अगर फिर एक है चौथा, मतलब कब तक, ठीक है, कब तक, मतलब आपको कब तक वो परचेस कर लेना है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम उसमें डाल दो, फिर जहाँ जब जो टाइम लिमिट है उसमें परचेस या कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर आपने समझो यहाँ पे, फिर एक लॉक इन पीरियड होगा, लॉक इन पीरियड जब तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा नया जो एसेट आपने परचेज किया, अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि कॉस्ट से रिड्यूस हो जाए, नया एसेट आपने परचेज किया आपको मेंटेन नहीं किया, आपने सेल कर दिया, आपने जब सेल कर दिया तो दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जो नया एसेट परचेज किया है कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा तो जो एग्जेम्प्ट हुआ था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो गया, दूसरा जो एग्जेम्प्ट हुआ था आपने अभी नया एसेट सेल किया उस पर भी कैपिटल गेन आएगा, इसका कैपिटल गेन प्लस इसका कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ नॉन कम्प्लायंस। तो कौन से केसेज में क्या है, 54 एफ और 54 ई ई और ई सी में कैपिटल गेन्स रिड्यूस करना है, सॉरी कैपिटल गेन्स जो एग्जेम्प्ट था वो टैक्स करना है, बाकी सब केसेज में कैपिटल गेन्स से सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जो एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन्स था वो रिड्यूस करना है। ये हो गया 50, ये एग्जेम्पशन की सीरीज हम लोगों ने जो डिटेल में किया था वो थोड़ा स्लाइटली डिटेल में किया था। और 54, अभी 47 के सेक्शन 47 में क्या बोला था, अगर एक कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी 100% होल्डिंग या 100% सब्सिडरी कंपनी को जो कि इंडियन कंपनी है उसको ट्रांसफ़र करती है एसेट, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 47 के अंडर, ठीक है। अगर वो एसेट सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के हाथ में स्टॉक एंड ट्रेड हुआ तो वो एग्जेम्प्ट ही नहीं होगा, ये क्या बोलता है, कौन बोलता है, प्रोविजो टू सेक्शन 47। अगर एग्जेम्प्ट हो गया मतलब 100% सब्सिडी को ही दिया और स्टॉक इन ट्रेड नहीं था इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर, टैक्स पोजीशन उठाएंगे किसका, ट्रांसफरर कंपनी का, उठा के ट्रांसफरी कंपनी में डाल देंगे, जो उसका टैक्स पोजीशन क्या था, उसका कॉस्ट, उसका होल्डिंग पीरियड, अभी उसका होल्डिंग पीरियड इसका होल्डिंग पीरियड हो गया, इसका कॉस्ट हो गया, तो टैक्स पोजीशन उठा के इधर कर दिया, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया ना। अभी अगर इसने जो कैपिटल गेन्स, इसने जो कैपिटल एसेट रिसीव किया अगर वो कन्वर्ट कर देते हैं 8 साल के अंदर स्टॉक एंड ट्रेड में, या फिर उसको उसका होल्डिंग कंपनी का होल्डिंग 100% से कम हो जाता है तो टैक्स किसको करेंगे, टू द ओरिजिनल ट्रांसफरर और इन द ईयर ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर।
फिर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, जो उसने पे कर दिया। तो पहले ये हो रहा था ना 49.1, ये 49.3 के हिसाब से बोलता, जितना तूने पे किया ना वो उतना ही तेरा कॉस्ट है, जब से तूने परचेज किया था वही तेरा होल्डिंग पीरियड है।